देश भर में नामांकन शुरू हो गया है और नवादा में एनडीए की तरफ से विवेक ठाकुर नामांकन करके अभी अभी आए हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी मंच पर विराजमान हैं, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, उसी के बीच अभी यहाँ पर कई लोग हैं। तो पब्लिक से अभी हम जरा पूछेंगे कि क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ बताते हैं। नवादा में लगना क्या है, आप जो संख्या देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की, इससे तो साफ हो चुका है कि वैसे भी विपक्षी का जमानत जब्त होने वाला और हम लोग भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। नहीं नहीं, राजद वाजद का कहाँ कंपेरिजन आप करने लगे, हम लोग तो यहाँ चुनिंदा कार्यकर्ता सिर्फ बुलाए गए, अभी पब्लिक आई कहाँ है। जब वोट पड़ेगा उस दिन आपको उस दिन पता चल जाएगा कि कितने लोग नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए विवेक ठाकुर जी को यहाँ से बम्पर बहुमत से जिताएंगे और विपक्ष का जमानत जब्त ना हो जाए, इसका हमें शक है। अरे कोई टक्कर नहीं है, ये सब खाली सी गुफा छोड़ रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत जमानत कम से कम बच जाए, इसके लिए लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन जो यहाँ जनमानस का मूड है वो तय कर चुका है कि विवेक ठाकुर जी को जिताकर भारी बहुमत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेगी नवादा की जनता। राहुल गांधी का यात्रा तो कब से चला, अभी तक तो कुछ पता चला नहीं और आगे भी कुछ होने वाला नहीं। हाँ ठीक है, वो निकले हैं सैर पे देश के, तो सैर करके फिर लौट जाएंगे अपने महल में। नहीं नहीं, नवादा का रोड आप देखे नहीं, थोड़ा बहुत रोड का इशू, अब रोड का इशू कहीं नहीं है पूरे बिहार में। आप जाइए, जगमगाता बिहार है और रोड के मामले में हर जगह बन रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो आप देखेंगे हर जगह कुछ कुछ सेक्शन में बन रहे हैं। धीरे धीरे भारत का रोड अमेरिका के बराबर आ जाएगा। आप जैसा कि नितिन गडकरी जी पहले भी घोषणा कर चुके हैं और वो सच्चाई होने जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी जी और भाजपा की सरकार जो बोलती है वो नरेंद्र मोदी के शासन में वो करके दिखाती है। और भी युवा नेता है नवादा से, तो बीजेपी का सबसे विनिंग सीट माना जाता है पूरे बिहार में नवादा, जिसको भी यहाँ बिहार में नवादा से जिसको भी सिंबल मिल जाए 2 लाख के मार्जिन से मिनिमम वो विजय घोषित होगा। और हाँ, मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम, मैक्सिमम रिकॉर्ड भी बन सकता है लेकिन मिनिमम 2 लाख वोट। जब से बरबीघा विधानसभा जीता है नवादा सबसे सेफ सीट हो गया है। और यहाँ शर्मन जी जो हैं, टक्कर हो सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, आरजेडी के तरफ से सिर्फ उनको सिंबल मिला है और कौशल यादव जो हैं उनके भाई, सुनते हैं कि जो खड़ा हुए हैं उनसे भी हो सकता है लड़ाई हो। चलिए देख रहे होंगे अभी यहाँ पर अभी नामांकन चल रहा है और भी कुछ लोग हैं। क्या इनको बोलिए, भाजपा पटकाई वाला है कि लालू जी तो चारा चूर है, उतना बेशर्म आदमी होगा कोई कि तीन तीन बार मानते चीफ मिनिस्टर रह कर करके और जेल गया, किस कारण से गया, किस कारण से गया। तेजस्वी वाला में बड़ी भीड़ आ रहा है। अरे बाप, वो भीड़ ऐसे आ रहा है कि कुर्सियां को हम पकड़ी और बाबूजी के कृतिया को हम मानते हैं कि अपना कर्तव्य बना ले, उनको भी तैयारी है एकदम, कहीं कुछ नहीं है, लालटेन में तेल ही जलेगा, कहीं कुछ नहीं, बतियों तक के शॉर्ट हो गया था, बतियों तक के। देख रहे होंगे और भी लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एक तरफा है। अवर चुनाव में जो है 40 के 40 सीट बिहार से चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है आराम से। लालू जी तो सब दिन बोलते रहे, वो तो बोलवे करते हैं, करे है क्या, लालू जी तो बोलवे करते हैं। बहुत अच्छा रोड यहाँ बना हुआ है, कहीं नहीं रोड यहाँ खराब है। नवादा जिला में तो 4 लेन बना हुआ है, पटना में बैठिए और रांची एक बार उतर जाइए, कहीं कोई ठोकर भी नहीं है, कोई ठोकर उकर नहीं है। कांग्रेस में थोड़ा अथी चल रहा है, वो
लोग का अपना मामला है, उस सबसे हम लोग को कोई लिया दिया नहीं है। तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, उनका घरेलू मामला है। एनडीए में सब चीज़ ठीक ठाक है, बहुत काफ़ी वोट है, अपार जन समर्थन से नवादा में विवेक ठाकुर चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। नवादा में विवेक ठाकुर जी और नवादा की जनता की एक डिमांड थी कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट हो, तो नवादा की जनता के पसंद के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है ये सीट चुना, तो इसलिए विवेक ठाकुर जी को 2 लाख से कम वोटों से जीत नहीं हुई ऊपर। अरे भीड़ से वोट नहीं ना मिलती है साहब, भीड़ से अगर वोट मिलती तो तेजस्वी जी क्या से क्या हो जाते। एम बाई समीकरण कहाँ है, एम बाई समीकरण खत्म हो गया, माई समीकरण खत्म, बाप का समीकरण चालू कर दिया है लोग, वो तो तेजस्वी जी खुद अलाउंस किए हैं, तो माई बाप करते रह जाए, बाकी सब खेला हो चुका है। कहाँ का बाहरी, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, एकलौता पूरे भारतवर्ष में एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी, और नरेंद्र मोदी के काम पर लोग विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए के जितने घटक दल के जो कैंडिडेट हैं सभी विजयी होंगे। राहुल गांधी के दौरा करने से क्या होता, राहुल गांधी तो हमेशा दौरा ही करते रहते हैं ना, वो तो अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो अभियान जो है वो बंद किए चुनाव आने के बाद। अब बताइए कि भारत कहाँ टूटा हुआ है, राहुल गांधी जी से पहले ये पूछना चाहिए लोगों को कि भारत टूटा हुआ कहाँ है, भारत को तो तोड़ करके आप लोगों ने रखा है, वो भारत तो और हमारा बड़ा था, भारत को तोड़ते ये लोग जो ऐसा कर दिए, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। कांग्रेस देखिए एक बात बताइए कि इन लोगों में है क्या कि कांग्रेस पार्टी में वो सिटी को लेकर के लालू जी तो लालची आदमी है, और लालची आदमी जो है कभी चाहेगा किसी को आगे बढ़ने देना। कांग्रेस तो मैंने उसका एक अजीब का हाथ का झुंझुना हो गया है राष्ट्रीय जनता दल का, लालू प्रसाद जी के हाथों का, तो इसलिए कांग्रेस का स्थिति यहाँ लालू जी खत्म कर चुके हैं। कहाँ अखिलेश जी का नहीं चल रहा है, और हम बोल रहे हैं ना कांग्रेस का हाल हो गया है, लालू जी के हाथ का झुंझुना हो गया है कांग्रेस बिहार में, और देश भर में राहुल गांधी जी झुंझुना हो गए हैं सभी लोगों का, तो ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, बरगलाना नहीं है, ये चुनाव में पूरी तरीके से 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा। 400 पार का नारा कार्यकर्ता लोग लगा रहे हैं, और भी हम लोगों से बात करेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।